संयुक्त किसान मोर्चा और लोक भलाई इंसाफ पार्टी की ओर से एक पत्रकार वार्ता कर वैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। किसान नेताओं ने भूआ विधायक जोगिंदर पाल और जिलाधीश संयम अग्रवाल पर अवैध माइनिंग करवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पठानकोट में हो रही लूट के बारे में ध्यान देने की अपील की है। ले आ, मेरे वीरों, तुहानू भी पता, तुसीं भी इत्थे पठानकोट शहर के इर्द गिर्द के सारे जने रहने वाले हो, सारा कुछ तुहानू पता है। पर गल ये आ, इत्थे अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी की कोई सुनवाई नहीं, किसी की आवाज़ की सुनवाई नहीं। मैं तो ये गल कहूँगा भी जिस जदों वाड़ जी खेत में खाण लग पे, फिर समझ लो उत्थे अज भी कुछ नहीं है तो कल भी कुछ नहीं है। साडे भोए दे एम एल ए जोगिंदर पाल जी है ना, आ लो आ देखो उन्होंने ट्रक चलते हुए आखो तीह पंजा फुट जी उन्होंने कर ली आ, सारा कुछ आ कर ली आ, अजे बाकी होर बहुत कुछ आ, इस तो अलावा दसण होर बहुत कुछ आ साढ़े को मसाला, जदों कि लोड़ पेगी दसांगे। गल है भी जदों एक एम एल ए हुंदिया होया वो आप खुद हदबस्त किड़ी खुरद और मैरा कलां दे पिंडां दे विच जिहड़ी सरकारी जमीन सी उत्थों भी माइनिंग की आ, अपनी जमीन चों भी उन्हें माइनिंग की आ, लोगों की जमीन चो भी माइनिंग की आ। वो दसो पहला मैं, तो एक माइनिंग विभाग में जो मैं डीसी भी पूछना चाहना, असं यहाँ डीसी बड़ी बार मंग पत्र दते, बड़ी चिट्ठियां दतिया, मंग पत्र दते भी इतने की हो रहा। डीसी देखता नहीं, क्योंकि ए सी रूम च बहिंदा, उतों माधोपुर उठ के तो आ जाता 11 बजे दफ्तर, उन्होंने की पता। आ एक स्टे मिलया सीगा उधर सिखुपुर मझीरी च, जज साहब ने स्टे दिता मानयोग अदालत ने, इहदियां धज्जियां डा के हिटलर डीसी ने उतों की माइनिंग वालों माइनिंग माफिया सिर्फ उन्हों का फायदा सोच के और सारा एरिया भी धजियां डाइया, और जोड़े उतों के लोकल लोग जोड़े धरने पर बैठे से भी साड़िया जमीना नहीं लंघन देना, पुलिस को तसद्दत करवा के उन्होंने उठाया गया, कुटिया गया, रात वेले उन्होंने भजाया गया, और उन्होंने ईवन इतों तक ये करके भी इन्हें इतने ट्रालिया जी उन्होंने खलोतियां सी, उन्होंने कहा भी ये लवारस पई आ, लवारस होर लोगों ट्रालियां इन कितने कोई खड़ी है कोई खड़ी, उतों क्यों नहीं लेंदे कब्जे, क्यों उन्होंने किसानों दबाने वास्ते वो कब्जे च लै लिया गई। और ईवन इतों तक नहीं, उतों की जनानियों भी बदसलूकियां की गई, और यदा सारा जिम्मेवार डीसी आ, क्यों डीसी माइनिंग माफिए की हमायत कर रहा, लोगों की लोक हित में डीसी ने कोई काम नहीं किया, माइनिंग माफिया की हिमाचत कर रहा सारा काम, उतों पता नहीं की मलाई मिलती आ, कि मोटी मलाई है खाण में मिलती होगी, जोड़ा कि लोगों की पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनता। डीसी कितने गया, डीसी नहीं देखता, डीसी कहता, डीसी ने मैं तुम्हें आ दसा जे आ ले, डीसी कहता कोर्ट च जाओ, जे कोर्ट च गए तो अपना हिटलरी हुक्म चलाता, तो जे ये तो की संकेत मिलते भी ये की हो रहा, सारे पासे ही माइनिंग हो रही आ। उस माइनिंग का नतीजा तुम्हें लग गया चक्की पुल, जोड़ा चक्की आ पुल आ जिहड़ा नवा पुल बनया उतों तुम्हें वेखण मिलेगा भी ये पानी तुहाडी हो चुकी, साढ़े भी इतने बिल्कुल जमीन के लैवल के उपर दी वगदा हुंदा सी, जिहड़ा हले 100-150 फुट थले चल गया, कारण वह माइनिंग इतने सारी मीरथल साइड से पहला माइनिंग हुई, अजे भी उत्थे हो रही आ, हर थां ते हो रही आ, इधर चक्की पुल चक्की हो रही आ, इधर हाड़े वाल नारायणपुर वाल सन्नी बेली का रुड़ गया, आ एक पिंड है नाल ही नंगरपुर जो पुल आ लागे वो उतरो, अद्धा पिंड सारा रुड़ गया, जो दूजे उत्थे बैठे वो खतरे तो खाली नहीं, पता नहीं कदों ढिग डिग के सारा उन्होंने घर तबाह हो जाएगा। एक कोई मतलब गल आ, ठीक आ खाणियां बंदे ने दो रोटियां, जे कि ये पापी लोग ये समझ लैन भी अं भी मर जाना तो असी किसी ना जाड़िए, शायद कोई गल ना हो, पर पापी लोग जड़े आ किसी का कोई भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना तो आने वाले परिवार का, बाकी हजारा परिवार उजड़ जाते इन्हों कोई गल नहीं हैगी। सो गल जड़ा माइनिंग आ, ये मैं तो कहूँगा पठानकोट के खास करके डीसी जड़ा ये पूरा सह दे रहा उस उन्होंने और सारा कुछ करवा रहा उन्होंने को, क्योंकि वह संकेत आ फिर भी क्यों करवा रहा डीसी। मैं तो चन्नी साहब कहूँगा भी तुम एक बार इतने हवाई सर्वेखण ही कर लो, आ के तुम पता लग जूगा भी किन्ना किन्ने आ लो। मैं तुम अगे मैं चंकी तरह तुम नहीं वेख सके, आ देखो मैं हूँ तुम दसदा भी आ देखो भी किन्ने फुट आ डूंगी आ, देखो आ देखो आ देखो उपर तो लैके
उपर आ उपर तो लैके थले नू आ किन्नी डूंगी आ घट्टो घट 50-60 फुट वा पुट्टी हुई हुण तुसीं दसो इत्थे की करांगे आ सीधी सरेआम नज़र आ रही आ वी आ कित्थों पुट के ते इत्थों आ सारी पुट्टी पई आ बहुत साढ़े को पर असीं डीसी नू इह गल्लां कापियां कर करके नाल दे दे चुके हाँ पर डीसी उन्हां दे नाल रलिया पर एक गल असीं कह देण लगे हाँ जेकर साढ़े किसी भी संयुक्त किसान मोर्चे के किसी भी कोई किसी आगू नू कोई गल हो गई सब तो पहला डीसी संजम अग्रवाल जड़ा अग्रवाल उन्हूं नहीं पता खेती की हुंदी आ क्यों ये अग्रवाल खेतियां नहीं करते ये अंदर बह गए कारपोरेटर घराणियां दे विच आउंदे आ ये सारे व्यापारी आ इहनूं की पता ये जानना चाहुंदा मैं तो कहूँगा ये भी नाल ही रलिया मोदी होणा दे सारा अडानी बानी दे क्योंकि इहनूं पता ही नहीं सारा रलिया होया वा इहनूं नहीं पता भी किसानी की चीज़ आ इन्हां दे बोर सोगे तो की होगा इन्हां दे नलके दे पानी सोगे तो की होगा वह गरीब आदमी कितना कराउणगे सो ये सारा ताणा सी ते वह माफिया की आवाज़ जी सी सुणदा और ये नाल नहीं साढ़े को होर बहुत वीडियो बहुत आ साढ़े को मैं कहूँ तो तुहानूं चला के दस देना वीडियो भी वह की हो रहा उत्थे सो गल ये माइनिंग दे विच हाँ इत्थे धजियां डातियां तुसीं दसो जिहड़ी लोकां दी जमीन पुट्टी गई है डीसी तों और मैं मानयोग अपने मुख्यमंत्री पंजाब नूं चन्नी साहब जिहड़े हुण बणे आ ठीक उन्होंने कहा सी माइनिंग बंद हो जाएगी सरदार सुखजिंदर सिंह धावा जिन्हां को होम दा महकमा मैं उन्हां नूं भी यह बेनती करनी चाहुंदा भी तुसीं बयानबाजी तो उत्थे कर दिंदे हो पर हेठले ग्राउंड लैवल ते कोई असर नहीं जिस तरह कहिंदे नशा वेचण वालिआं नूं फड़ो खाण वालिआं नूं फड़ो सानूं पता लगा भी रातीं कितें उत्थे ट्रक घेरदे फिरदे सीगे माइनिंग वालिआं कह के भी ये माइनिंग हो गई जिहड़े कर रहे उन्हां नूं क्यों नहीं फड़दे उन्हां नूं क्यों नहीं घेरदे वेचण वा खाण वालिआं नूं फड़दे हो वेचण वालिआं नूं नहीं फड़दे जिहड़े फड़ना गया ना उन्हां तुसीं अपने जोगिंदरपाल एम एल ए नूं कुछ कहो ना किसी होर नूं माफिया नूं कहो जिहड़ियां खड्डां नीलाम होईआं वह अपनियां खड्डां ते बैठण उत्थों अपनी लैण रियालिटी वह सारे नाके उन्हां ने क्यों लाए आ थां थां नाके दा की मतलब आ माइनिंग वालिआं दा पर गल आ अज तक डीसी नूं मैं ये गल पुछनी चाहुंदा भई तुसीं ये दसो भई किन्नी लोकां दी जमीन दे पैसे सरकार दे खाते च गए आ जिते लोकां ने पुट्टी आ लोकां ने पटाई अपनी जमीन जानों दी पुट्टी गई आ उत्थों सरकार दे खाते विच किन्ने पैसे गए आ जोगिंदरपाल ही दस दवे भी जिहड़ी उहने आ 70-80 किलियां दे विच 50-50 फुट माइनिंग कर ली आ उहदे पैसे कित्थे गए आ किहड़ी सरकार नूं गए आ कोई पुछण वाला हैगा अंधेर नगरी चौपड़ राजा वा इत्थे हाथी दे दंद खाण नूं होर आ विखाउण नूं होर आ सो गल आ उस माइनिंग दा मैनू पता जन्ना संताप मेरे पिंड वाले झलिया 40-41 पिंडां ने झलिया किड़ी ने झलिया बग्याल ने झलिया ममयाल ने झलिया धुप्पछड़ी ने झलिया जसवां ने झलिया और होर गाड़ी जिन्ने पिंड है सारे ने 40-41 पिंड जिन्हां ने झलिया और ईवन मैं तुहानूं इह दसदा भी मेरे घरां च इक दो भरा अन्ने रहिंदे आ उहनां दे नलके दा पाणी सुक गया और वह कितों जा के पानी लियांदे सीगे जिथे नवा बोर 200 फुट कराया गया इन्हां दी बंबियां तों सो गल आ भी ये माइनिंग नूं मैं तो जे कोई मैं तो ये गल कहूँगा भी इहनूं क्यों नहीं सरकारी अदारे च लैंदे जिन्नियां भी पोलिटिकल पार्टियां रौला बहुत पाउंदियां जे बीजेपी तो अकालियां दी सरकार सी कांग्रेस वाले रौला पाउंदे सीगे जे हुण कांग्रेस दी आ ते हुण बीजेपी अकाली रौला पाउंदे सी इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल सिया इंटीरियर। यहां आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। रागी होम डेकोर गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल सीलिंग फर्नीचर and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, aapki kalpanik soch ko utare aakar mein aur aakar saware, ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot.